16 अप्रैल 2019 को मुल्क व बैरून मुल्क की मशहूर दीनी दरसगाह जामिया नईमिया दीवान का बाजार मुरादाबाद में 110वां शानदार इजलास व सिलसिला जश्न दस्तारबंदी पूरी शान शौकत के साथ मुनक़िद किया गया। नमाज इशा के बाद इस नूरानी प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हजरत मौलाना कारी तसव्वुर हुसैन नईमी ने किया और इसके बाद मौलाना अहमद रजा नईमी ने हजरत सदरुल अफाजल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नात पाक पढ़कर सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। इस मौके पर 276 तलबा की दस्तारबंदी अमल में आई। 110वीं जश्न दस्तारबंदी के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाए कायदे मिल्लत हजरत अलहाज अशा अल सैयद मोहम्मद महमूद अशरफी अल जिलानी किछाचा शरीफ ने इल्म की फजीलत व अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म का हुसूल उसी वक्त कामयाब होता है जब हम इस इल्म के जरिए दूसरों को फैजियाब करें और इल्म सीखने के लिए अकाबिरीन के नक्श कदम को अपनाना होगा कि उन्होंने अपने इल्म के जरिए पूरे आलम को फैजियाब किया। इल्म के साथ अमल भी जरूरी है क्योंकि आलिम अगर बाअमल हो तो उसकी बात दिलों में उतरती है। बुजुर्गों के अमल ही की वजह थी कि जो बात जबान से कह देते थे लोगों के दिलों में पेवस्त हो जाती थी और लोग उसको अपनी जिंदगी का नमूना अमल बना लिया करते थे। आज मदारिस इस्लामिया में अगर दीन की शमा रोशन हो रही है तो वे तलबाए मदारिस की देन है। हजरत सैयद महमूद अशरफ अशरफी ने फरमाया, तुम अपने इरादे और अपनी हिम्मत अपनी वफादारी से कदम आगे बढ़ाओगे, इनका फैजान तुम्हारे कदमों में वो कुवत अदा कर देगा कि हर फितनों को तुम हर फितनों की सरगोभी कर देगा। मेरे प्यारे बनो, ऐसे बनो, एक समाना था याद हमारे को जमाना था। मेरा भी बचपन इसी सहन में गुजरा है, मेरा भी बचपन इसी सहन में गुजरा है। बड़े बड़े अकाबरीन को देखा है, अपने अकाबरीन में जल्दी लोग निशानी के तौर पर हमारे पास है। मेरे प्यारे इनके अंदर को जो उनके साथ मिला है मौलाना हाशिम साहब मिला है मोहसिन साहब मिला, ये लोग सब उसी पुराने लोगों में से बताते हैं हमारे लायक लायक साथ हैं। यकीन जानिए मदरसों में जाकर टहल लीजिए, मदरसों में टहल लीजिए, अल्ताफ रखने वाले इस तो मिल जाएंगे लेकिन दर्द से मोहब्बत करने वाले इस नहीं मिलेंगे जो अपने दर्द और तदरीज से मोहब्बत करते हैं। ऐसे असाजा की कमी हो गई है तो नई ही चमन में आप यहाँ बैठ कर आपने इल्म हासिल किया है, उस इल्म को अब आप अपने तौर पर बढ़ाइए और दुनिया को उसका फैज पहुँचाइए। मेरे प्यारे आप अपने आप को एहसास कमजोरी का शिकार ना होने दें। ये मेरी गुरु का एक हिस्सा था जो आपके लिए था। अब मैं आपको आप आवाम के लिए कहना ये चाहता हूँ, मेरे प्यारे आप जो जिंदगी जी रहे हो अपनी उस जिंदगी के बारे में गौर करो, गौर करो उस जिंदगी के बारे में। आज हम देखते हैं सब कुछ है कल से ज्यादा लेकिन बेचैनी भी कल से ज्यादा। ये दुनिया भाग रही है, भाग रही है। हमने देखा कि जिसकी जेब में 1000 रुपए है वो लाख के लिए भाग रहा है, जो लाख रखे हुआ है करोड़ के लिए भाग रहा है, जो करोड़ रखे हुआ है वो अरब के लिए भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। मिलियनर भी भाग रहा है, बिलियनर भी भाग रहा है, ट्रिलियनर भी भाग रहा है, मल्टी ट्रिलियनर भी भाग रहा है। अरे किसको पाने के लिए भाग रहे हो? क्या चीज है तुम्हें जो ट्रिलियनर मिलने के बाद भी नहीं मिली, अरबपति बनने के बाद भी नहीं मिली? अरे अरबपति से तो मिल जानी चाहिए थी।
साबिक वजीर हजरत सैयद मोहम्मद जफर मसूद ने भी तलबा को अपने मुफीद मशवरे से नवाजा और दौरे हाजिर में दुनियावी तालीम सीखने पर भी जोर दिया ताकि दुनिया में हमारे सामने आने वाली परेशानियों को दूर कर सकें और अपने मुल्क की तरक्की में नुमाइंदगी करें। इनके अलावा संभल से तशरीफ लाए हजरत मुफ्ती अलाउद्दीन ने भी इजलास को खिताब फरमाया। इस मौके पर 30 मुफ्तियाने किराम दर्जाए फजीलत से फारिग 124 फुजाला 28 हुफाज और 94 कुर्रा समेत कुल 276 खुशनसीब तलबा की दस्तारबंदी अकाबिर उलेमाए किराम की बदस्त अमल में आई। इजलास की निजामत के फराइज मशहूर मारूफ खतीब और मुमताज और मुनफरिद लबु लहसे की नकीब हजरत अल्लामा व मौलाना सईद अख्तर नईमी ने बखूबी अंजाम दिए। आखिर में बारगाह रिसालत में सलात व सलाम का नजराना पेश किया गया। जामिया हाजा के शेखुल हदीस व प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब खान नईमी की दुआ पर देर रात इस शानदार इजलास का इख्तिताम हुआ। इस दौरान जामिया की इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद असलम मुअज्जिज मेम्बरान हाजी मोहम्मद इकराम व मोहम्मद अब्दुल्ला अशरफी जामिया के अकाउंटेंट जाहिद हुसैन शेखुल जामिया मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब खान नईमी के मुआविन खास हजरत मौलाना सैयद महफूज अली नईमी हजरत मौलाना जाफर अली नईमी और स्टेज पर नबीराने सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ा नईमी हजरत मौलाना सैयद शबीउद्दीन नईमी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन नईमी व सैयद हैदर अली नईमी नायब मुफ्ती जामिया नईमिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान नईमी हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद हाशिम नईमी कारी गुलजार अहमद नईमी कारी मोहम्मद रफीक नईमी मौलाना मोहम्मद रफीक नईमी कारी सज्जाद हुसैन नईमी वगैरह समेत बड़ी तादाद में जामिया के असतिज़ाए किराम व दीगर उलेमाए किराम मौजूद रहे। इस अजीमुश्शान प्रोग्राम में पीर तरीकत सैयद बासित मियां मौजमी पीरजादा सैयद मुनीर मियां मौजमी मोहम्मद अनस मौजमी जामिया हाजा के मीडिया इंचार्ज मुफ्ती बाकर अली राजस्थानी हमदनाथ फाउंडेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन अशरफी हजरत मौलाना वसीम मियां कादरी डॉक्टर मोहम्मद मुनाजिर हुसैन वगैरह समेत कसीर तादाद में मौजज़ीन शहर व तलबाए अजीज मौजूद रहे।